गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक की बुक की सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, जो कि रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई के ऊपर है। तो उसमें शुरुआत करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर से, जिसको कि हम दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर्स होते क्या हैं। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा है, वो दो प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि विद्युत धारा का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा जो है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन वहीं इनडायरेक्ट जो करंट होती है, जिसको कि हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक इंटरवल के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या करता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को डायरेक्ट वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक होती है, उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसकी शुरू जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इनडायरेक्ट करंट्स होती हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट है, उसको जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, ईजी मेंटेनेंस है, तो कॉस्ट भी कम आती है। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हम विद्युत धारा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट करंट को यूज करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे काम करते हैं हमारी डायरेक्ट करंट से। यानी कि हमें चाहिए, अगर कोई भी हमें विद्युत यंत्र चलाना है, घर के अंदर कोई उपकरण चलाना है, तो हमें जो करंट चाहिएगी वो है डायरेक्ट करंट। तो अब घर से बाहर जो तार के थ्रू जो करंट आ रही है हमारे घर में, वो आ रही है इनडायरेक्ट करंट। लेकिन जो हमारे घर के अंदर इवन एक लाइट भी जल रही है, तो वो जलेगी डायरेक्ट करंट पे। तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन की टेक्निक है, इसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइसेस इस प्रोसीजर को करती हैं, विच प्रोवाइड रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर। उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है कि हमारे पास जो इनपुट एसी वोल्टेज है, ठीक है, वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हमारे पास आ रही है। तो किसी भी उपकरण में आने से पहले यहाँ तक जो अल्टरनेटिंग करंट थी, यहाँ ट्रांसफार्मर तक, अब वो यहाँ पर आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास करंट प्राप्त होती है हमें रेक्टिफायर से, वो क्या होता है, एसी और डीसी का मिक्सचर होता है। यानी कि हमें डायरेक्शन तो एक मिल जाती है, यूनिडायरेक्शनल करंट तो मिल जाती है, लेकिन उसमें फिर भी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उसमें पल्सेशन होती रहती है। यानी कि मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशन है, उसको हम कवर अप नहीं कर पाते हैं रेक्टिफायर के थ्रू। तो उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिल्टर्स लगाते हैं, जिससे कि हम उनके जो पल्सेशंस हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड में जो रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम थोड़ा कांस्टेंट कर सके। ठीक है, अब उसको कांस्टेंट करने के बाद भी हमें एक और टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जो ये आने वाली वोल्टेज है, यानी हमें डायरेक्ट जो वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट जो वोल्टेज मिलती है, वो फिर भी क्या होता है कि लोड करंट पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपकी इनपुट करंट चेंज हो रही है, तो वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज जो होंगे वो रेगुलेट नहीं होते हैं। तो उसको रेगुलेशन करने के लिए भी हमें फिर वोल्टेज रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके हमें एक प्रॉपर आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त हो पाती है। ठीक है, तो किसी भी
उपकरण के लिए हमारे पास ये सिस्टमेटिक एक हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इनपुट एसी वोल्टेज से हम आउटपुट डीसी वोल्टेज किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम यूज किसका करते हैं कि जो हमने पीएन डायोड जंक्शन डायोड पढ़ा था, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कौन सी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, तो उसको हम इसमें यूज करते हैं कि जब भी पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो की जाती है तो वो हमेशा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो अब हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, और जो उसके बाद हमारे नेक्स्ट फर्दर जो लेक्चर्स होंगे वो फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर होंगे। तो अभी हम पहले प्रोसीजर समझने की कोशिश करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर आखिर काम कैसे करता है, कि हाउ टू वर्क अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए वी आई एक इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, जिसको कि प्राइमरी कॉइल में दिया हुआ है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है जिसमें कि सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें वी एस वोल्टेज जो है बाय इंडक्शन यानी प्रेरण के थ्रू यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। अब वी एस जो है वो ए और बी के बीच में है। यहाँ पर देखिए वी आई जो है अल्टरनेटिंग करंट है और वी एस जो है वो भी अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ पर जो एन है, एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेशियो बिटवीन दी नंबर ऑफ रिंग्स, जितने भी उसमें घेरे बने हुए होते हैं इन प्रेरण कुंडलियों में, तो सेकेंडरी कुंडली डिवाइडेड बाय प्राइमरी कुंडली। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये एन रेशियो मिल जाता है और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज बाय द सेकेंडरी कॉइल वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाती है। तो अब हमारे पास वी जीरो क्या हो जाएगा, जो हमें लोड के ऊपर लेना है, जो हमने एक्सटर्नल लोड लगाया हुआ है आरएल, वो जो कि यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है, ये डायोड लगाया हुआ है एक, और इसी के श्रेणी क्रम में सीरीज में एक आरएल लगा हुआ है, और जिसके सिरों पर हमें वोल्टेज प्राप्त करना है आउटर वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे पास वी जीरो कितना हो जाएगा, जो भी करंट फ्लो हो रही है आई, देखिए आपके दिखाया हुआ है, तो करंट फ्लो हो रही है आई इंटू आर एल हो जाएगा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास, अब इसकी प्रोसीजर क्या है कि देखिए अब यहाँ पर वी आई जो है वो हमें इस तरीके से मिल रहा है। फर्स्ट जो वेव प्रारूप से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा कि जो हमने यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इसमें वी एस जो है उसमें क्या होगा कि इसके मैग्नीट्यूड में और इसके मैग्नीट्यूड में थोड़ा फर्क है, यानी कि यहाँ से आने के बाद इंडक्शन से हमें थोड़ा मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सेम फॉर्म की होगी, यानी कि जो यहाँ पर जिस तरीके से उसका जो भी टाइम पीरियड है उस तरीके से ही यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये, अब मान लीजिए अपन फर्स्ट पॉजिटिव इंटरवल की बात करते हैं कि जब वी एस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका पी जो डायोड का पी सिरा है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव होगा। ठीक है, ए जो है वो प्लस को दिखा रहा है, ये माइनस को दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए ये दिखे हुए हैं प्लस और माइनस, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगी, डायोड में करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने की वजह से हमें वी जीरो इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं क्या होगा, जैसे ही जब ये हाफ इंटरवेल के बाद धारा की दिशा बदलेगी या वोल्टेज की दिशा बदलेगी, तो वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, ए पॉइंट हो जाएगा अब की बार नेगेटिव और बी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि डायोड के जो टर्मिनल्स हैं वो हो जाएंगे पी और एन, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। इस कंडीशन में जो पॉजिटिव हाफ था उसमें ये है फॉरवर्ड बायस में, अब हो जाएगा ये रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में होने की वजह से करंट फ्लो जो है वो नहीं होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमें ना के बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जिसकी, अब इसका मतलब क्या है कि हमें जो
वोल्टेज मिल रही है वो इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल तो है, लेकिन एक इंटरवल में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ही पॉजिटिव होगी, वो हमें दिख रहा है, एंड डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम, जो हमने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट नहीं होगा, और एक पल्सेटिंग आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, जो हम यहाँ पर हमने डायग्राम से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जब ये फॉरवर्ड बायस में है, रेजिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड बायस में है डायोड का, तो उस कंडीशन में हमने उसका जो रेजिस्टेंस है RF माना है, और सेकेंडरी जो कॉइल हमने सर्किट में लगाई हुई थी उसका रेजिस्टेंस हमने लिया है RS, ठीक है। तो करंट फ्लो जो होगी वो क्या होगी, VS अपॉन में RL प्लस R। अब R जो है वो यहाँ हम RS प्लस RF ले रहे हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों जितना जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरियल में लगे हुए हैं, इसलिए सीधे एडअप हो जाएंगे RL प्लस RS प्लस RF, ठीक है। अब VS हमारे पास क्या है, EM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर EM जो है वो हमने लिया है NEP, ओके। तो हम इस टर्म को बार बार हम नहीं लिखेंगे कि NEP नहीं लिखेंगे, हम EM ही लिखेंगे, ओके। तो यहां से हमारे पास जो ये टर्म है इक्वेशन नंबर एक जो है वो वैल्यू ओनली है 0 to T/2, जो उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, उसके हाफ तक ही ये कंडीशन होगी। तो यहां से हमारे पास इन दोनों इन टर्म्स को मिला करके हम लिख लेते हैं IM। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो IM, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी फॉर द इंटरवेल 0 to T/2, और सेकेंड हाफ में वो वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो आई थिंक आपको धारा की जो कि फर्स्ट इंटरवल में डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, करंट फ्लो होगी, लेकिन जो सेकेंड हाफ होगा उसमें वो रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी और वोल्टेज भी हमें प्राप्त नहीं होगी। अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या होगी कि होल ओवर दी टाइम पीरियड हम उसका समेशन या इंटीग्रल कर दें 0 to T, हमने लिमिट जो ली है वो 0 to T, और एवरेज जो वैल्यू है उसको हम डिनोट कर रहे हैं IDC से। अब 1/T समय इंटीग्रल ऑफ 0 to T IDT। अब देखिए यहाँ पर अब 0 to T तो हमें I की वैल्यू मिल नहीं रही है, हमें किस में मिल रही है, ओनली T/2 में, सेकेंड में तो 0 है तो उसको हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ में 0 होने की वजह से वो हमें प्राप्त नहीं होगी। और अब IM कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया 0 to T sin ωt dt। अब देखिए ये जो हमारे पास इंटीग्रल वाली वैल्यू मिली है, जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है। तो सिंपली और यहां से जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ओमेगा जो है एक ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2π। तो IM अपॉन 2π इंटू में 2, तो हमें एवरेज वैल्यू मिल जाती है IDC इज इक्वल टू IM/π, ठीक है। एवरेज करंट हमें मिल गया, तो हम करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, एवरेज वोल्टेज निकाल सकते हैं IDC इंटू RL, और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो प्राप्त हो जाती है, जिसमें IM की वैल्यू हमने EM की टर्म्स में लिख दी है। अब इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू है, जैसे हमने देखा कि एवरेज जो धारा की वैल्यू मिली हमें, एवरेज वोल्टेज मिला है, तो उसमें क्या हो गया कि सेकेंड हाफ तो बिल्कुल 0 हो गया ना, तो वहां पर तो वो वैल्यूज हमारे कोई काम की नहीं रही। तो उस चीज को हम खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि RMS वैल्यू निकालते हैं, जिसमें कि स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर देन हम रूट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास IRMS² इज इक्वल टू सेम वही प्रोसीजर है, 1/T करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, लेकिन I की जगह I² करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास IRMS² इज इक्वल टू आ जाएगा IM² / 4,
यानी कि आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई एम बाय टू ई एम बाय टू आर प्लस आर एल, और यहां से जो आर एम एस वैल्यूज है वोल्टेज, आर एम एस वोल्टेज जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 6 के थ्रू निकाल लिए हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका जो कॉन्सेप्ट है एवरेज है तो आई से इंट्रीगल करना है, आर एम एस है तो आई स्क्वायर से इंट्रीगल करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब हम थर्ड जो प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं कि एफिशिएंसी, कि किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, तो उसको हम सिंपल जो डेफिनेशंस हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट डिवाइडेड इनपुट निकाली जाती है, कि आउटपुट में उसकी आउटपुट पावर कितनी है और डिवाइडेड बाय इनपुट कितनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि आउटपुट में हम क्या लेना चाहते हैं, डीसी लेना चाहते हैं, तो आउटपुट जो डीसी पावर के कंपैरिजन करेंगे हम इनपुट एसी पावर से, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो परसेंटेज में निकल जाएगा। अब हमें जो पिछले अभी दो जो डेरिवेशन हमने किए हैं तो वहां से हमें पता है कि आउटपुट डीसी पावर जो है पी डीसी इज इक्वल टू आई डीसी। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम डीसी पावर की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज की बात करेंगे, लेकिन जब हम इनपुट एसी की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आरएमएस की वैल्यू की बात करेंगे। क्यों? आरएमएस जो है वही हमें उसकी रियल वैल्यू देगा, क्योंकि एसी में क्या होता है कि पॉजिटिव जो हाफ है उसमें पॉजिटिव वैल्यू एंड सेकेंड हाफ में वही करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का तो एवरेज वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो वहां पर हम किसको निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू को, क्योंकि वो क्या करेगा स्क्वायर करके फिर मीन लेता है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव करंट या वोल्टेज की वैल्यू हो लेकिन हमें उसकी आरएमएस वैल्यू जरूर प्राप्त होगी, लेकिन एवरेज वैल्यू जीरो मिलेगी। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना है कि डीसी पावर की जब बात कर रहे हैं तब हम सीधे एवरेज ले सकते हैं, लेकिन जब हम एसी की बात कर रहे हैं तो हमें आरएमएस वैल्यू को ही यूज करना है। ठीक है, तो जो डीसी है वो हमारे लोड के सिरों पर हम ले रहे हैं, तो पी डीसी इज इक्वल टू आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल। ओके, आउटपुट में हम आर एल के अलावा किसी भी रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे, तो आर एल हमने ले लिया है, यहां से इक्वेशन नंबर 8 हो गई, क्योंकि आई डी सी की वैल्यू हमने पिछले जो स्लाइड्स है एवरेज वैल्यू निकाली थी वहां से रख दी है। अब इनपुट जो ए सी पावर है, अब इनपुट जो है वो तीनों रेजिस्टेंसेस पर हम दे रहे हैं, आर एस सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस, आर एफ फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस, और आर एल लोड, तीनों ही सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए तीनों को ऐड कर दिया, और आई आर एम एस स्क्वायर पावर निकालने के लिए आर प्लस आर एल, आर एम एस की वैल्यू आई एम बाय टू, तो यहां से हमने इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को 8 और 9 से जो वैल्यू हमें मिली है उनको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। अब इक्वेशन नंबर 7 में जब हम इन्हें रखते हैं इसके बाद फिर इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि नीटा इज इक्वल टू 40.6 अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन आर एल परसेंटेज में, यानी कि मैक्सिमम जो उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो मिलेगी 40.6 जबकि आर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी कि लोड रेजिस्टेंस जो हो वो बहुत ज्यादा बड़ा अगर हम ले रहे हैं, यानी कि लोड रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, इनकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो टू बी कंटिन्यूड, थैंक यू।